हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आज हम 11 अक्टूबर 2019 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के साथ आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे जिसे आपको नोट करते हुए चलना है, और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना होगा। इस वीडियो का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से मिल जाएगा। आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं जो आपसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछा गया था। क्वेश्चन था, विनोद कुमार शर्मा किस राज्य के नए लोकपाल बने हैं? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, पंजाब। विनोद कुमार शर्मा पंजाब राज्य के नए लोकपाल बने हैं। अब आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, POK यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित होकर भारत आकर रहने वाले 5300 से अधिक कश्मीरी परिवारों को सरकार ने कितने लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, 5.5 लाख। पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित होकर भारत आकर रहने वाले 5300 से अधिक कश्मीरी परिवारों को सरकार ने 5.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के जॉन वी गुडिनफ, स्टैनली विंगटम और अकीरा योशिनो को वर्ष 2019 का कौन सा नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, रसायन। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2019 देने का फैसला किया है। यह पुरस्कार जॉन वी गुडिनफ, एम स्टैनली विंगटम और अकीरा योशिनो को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए दिया गया है। यह हल्की, रिचार्जेबल और शक्तिशाली बैटरी अब मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप और इलेक्ट्रिक वाहनों तक हर जगह उपयोग की जाती है। वर्तमान में पुरस्कार समितियां नोबेल पुरस्कार 2019 विजेताओं और अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अन्य क्षेत्र जैसे भौतिक, रसायन, साहित्य, शांति और आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है, और 8 से 14 अक्टूबर 2019 के बीच कार्यक्रम के अनुसार उपरोक्त पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्डन की एक संस्था ने किसे मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, इमरान खान। जॉर्डन की एक संस्था ने इमरान खान को मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। उन्हें यह पुरस्कार क्रिकेट के क्षेत्र में उनके योगदान, राजनीति में उनके कैरियर को अहम बताते हुए दिया गया है। अब यह है पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के बारे में जानने के लिए हम वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखिए, यह है वर्ल्ड मैप, और इसमें पाकिस्तान आप सभी को पता है, भारत का पड़ोसी राष्ट्र है पाकिस्तान, जिसकी कैपिटल है इस्लामाबाद। यहाँ की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार, यहां पर क्यों नहीं यहां पर होगा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका राइट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, 17%। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता DA यानी कि डियरनेस अलाउंस बढ़ा दिया है। सरकार ने भत्ता 5% बढ़ा दिया है, जिसका मतलब है कि भत्ता 12% से बढ़कर 17% हो गया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कैबिनेट बैठक में लिया गया है। इस भत्ते की रकम जुलाई 2019 से दी जाएगी। इस फैसले की वजह से सरकारी खजाने पर 16,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कैबिनेट ने जम्मू और कश्मीर के डेवलपमेंट पैकेज के अंतर्गत 5300 परिवारों को शामिल करने की भी मंजूरी दी गई है, जो आपको पिछले क्वेश्चन में बताया गया है।
जिन्होंने शुरुआत में राज्य से बाहर जाने का विकल्प चुना था, लेकिन बाद में वे जम्मू कश्मीर में ही आकर बस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल बैंक के लिए डीसीबी के विलय को किसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रस्तावित केरल बैंक बनाने के लिए केरल राज्य सहकारी बैंक के साथ 13 जिला सहकारी बैंकों को सम्मिलित करने के लिए केरल सरकार को आगे बढ़ाया है। विपक्षी कांग्रेस नित गठबंधन नियंत्रण मल्लपुरम सहकारी बैंक को छोड़कर शेष सभी जिला सहकारी बैंकों ने सरकार के इस कदम को मंजूरी दे दी है। अब सरकार को विलय के लिए रखी गई शर्तों को पूरा करना होगा और 31 मार्च 2020 से पहले शीर्ष बैंक को एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। आरबीआई ने यह भी जोर दिया है कि राज्य सरकार को अतिरिक्त पूंजी का लगातार उल्लंघन करना होगा और केएससीएस अधिनियम द्वारा संशोधन करके संरचित शासन विधि को रखना होगा। अब ये निर्णय लिया गया है आरबीआई, यानी कि जो मंजूरी दी गई है वो आरबीआई द्वारा दी गई है। तो आरबीआई के बारे में जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को, यानी 1949 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें क्रम के गवर्नर हैं। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। पहले हैं एमके जैन, दूसरे हैं बीपी कानूनगो, तीसरे हैं एनएस विश्वनाथन, और चौथा पद खाली है क्योंकि विरल आचार्य ने जुलाई में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉट निक हेग को ऑर्डर ऑफ करेज से सम्मानित किया गया है, वह किस देश के हैं? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, रूस। रूस ने नासा के एस्ट्रोनॉट निक हेग को अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ करेज से सम्मानित किया है। निक हेग रूसी अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी ओवचिनिन के साथ एक अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण से बच गए थे, जो जब अक्टूबर 2018 में कजाकिस्तान के बैकोनूर कोस्टोमोडोम से ब्लास्ट ऑफ के बाद उनका सोयुज रॉकेट विफल हो गया था। हेक को उनके साहस और उच्च व्यावसायिकता के लिए सम्मानित किया गया है, और जो कि एक भयावह जीवन स्थितियों के दौरान दिखाया गया है। यहाँ पर दो टर्म्स हैं, रूस और नासा। सबसे पहले आप नासा के बारे में जान लीजिए। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना 1958 यानी कि 1958 में हुई थी और वर्तमान में इसके हेड हैं जिम ब्रिडस्टाइन, इसके हेड हैं। और ये हैं रूस के। तो रूस के बारे में जानने के लिए हम वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखिए, ये है वर्ल्ड मैप और इसमें रूस, ये है रूस। रूस की कैपिटल है मॉस्को, यहाँ की करेंसी है रूबल और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमिर पुतिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, 10 अक्टूबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना और मानसिक स्वास्थ्य के समर्थन में प्रयासों को बढ़ाना है। यह दिवस मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों पर काम करने वाले सभी हितधारकों को उनके कार्यों के बारे में बात करने का अवसर प्रदान करता है, साथ ही विश्व भर के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास करता है। इस वर्ष इसका थीम है सुसाइड प्रिवेंशन, इसका थीम है। और ये मनाया जाता है WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहनॉम, इसके महानिदेशक हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, 4 से 10 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाता है। यह उत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, जिसमें
मानव की बेहतर स्थिति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अतुल्य योगदान पर जोर दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने 1999 में घोषणा की थी कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस दिन को मान्यता इसलिए दी जाती है क्योंकि 4 अक्टूबर 1957 को पहला मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह लॉन्च हुआ था। इस वर्ष इसका थीम है द मून गेटवे टू द स्टार्स, इसका थीम है। और ये संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और वर्तमान में इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुतरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा आमंत्रण अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, भारत सरकार। जल शक्ति मंत्री ने एक गंगा आमंत्रण की शुरुआत की है। यह शुरुआत नदी के हितधारकों से जुड़ने के लिए की गई है। यह गंगा नदी पर महीने भर चलने वाला एक अग्रणी खोजपूर्ण ओपन वाटर राफ्टिंग और कयाकिंग अभियान है। इसमें उत्तराखंड के देवप्रयाग से पश्चिम बंगाल में गंगा सागर तक करीब 2500 किलोमीटर तक की दूरी तय की जाएगी। गंगा आमंत्रण स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन द्वारा पूरे गंगा नदी में इस तरह का पहला प्रयास है और साहसिक खेल गतिविधि के माध्यम से बदला गया है। यह सबसे बड़ा सामाजिक अभियान है जिसके तहत गंगा पुनर्जीवन और जल संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण परिणाम किसके द्वारा जारी किया गया है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2019 में हुए उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण यानी कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे के परिणाम जारी किए हैं। यह सर्वेक्षण 13 मुख्य शहरों में किया गया है जो कि अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना और तिरुवनंतपुरम में किया गया है। इनमें इन शहरों के परिवारों से आर्थिक हालात, रोजगार, मूल्य स्तर, आमदनी और खर्च संबंधित जानकारी प्राप्त की गई थी और ये किया गया था आरबीआई द्वारा। तो आरबीआई के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको इसी वीडियो में बताए जा चुके हैं। अब आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या फिर 9 अक्टूबर। ये आज के यानी कि 11 अक्टूबर 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।